मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आर्या पार की लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए सीएम शिवराज ने कांग्रेस के खिलाफ बेहद आक्रामक रवैया अपनाया है। कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर शिवराज ने कहा कि ये वचन पत्र नहीं महाझूठ पत्र है। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है और इसमें प्रमुख तौर पर 101 गारंटियों का जिक्र भी किया है। कांग्रेस के वचन पत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी कांग्रेस ने 900 से ज्यादा वचन जनता को दिए थे, उनमें से 9 वचन भी कांग्रेस ने पूरे नहीं किए। कांग्रेस के सारे वचन झूठे निकले। कांग्रेस ने आज फिर महाझूठ पत्र घोषित किया है। जनता अब इनके झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। जनता जानती है कि भाजपा जो कहती है वो करती है और भाजपा जो नहीं कहती वो भी करती है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टिपत्र में नहीं थी लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।